Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 6th April 2022. Subject Social Studies, Class 4, Chapter 1. Our Solar System and the Earth. Yes. Today we'll be reading about surface of the Earth. Okay. Surface of Earth. Earth's surface is made up of land and water. Nearly 3/4 of the surface of Earth is covered with water, while the remaining part is covered by land. Due to the presence of a large amount of water, it appears blue when seen from space, so it is also called the blue planet. Earth has 7 very large pieces of land known as the continents. These are Asia, North America, South America, Africa, Antarctica, Europe and Australia. Earth has 5 huge bodies of water known as the oceans. These are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. Okay, surface of the Earth. Earth का surface क्या से बना हुआ है? Land और water से बना हुआ है. यहाँ पे बोला गया कि nearly 3/4 of the surface of water is covered by water. मतलब आपका जो 3/4 of the surface of Earth है, मतलब Earth का जो 3/4 जो भाग है वो पानी से cover हुआ है, ठीक है? और एक भाग खाली जमीन है, land है. इसका जो large amount ऑफ वाटर होने की वजह से अर्थ को क्या प्लैनेट बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ये ब्लू कलर में दिखता है, राइट? बिकॉज इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है? ब्लू है. अगर आप स्पेस से अगर अर्थ को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो ब्लू कलर में, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. अर्थ का 7 वेरी लार्ज पीसेस ऑफ लैंड है. ओके, अर्थ में 7 बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड है, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं. क्या क्या है ये? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, अर्थ में 5 ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर है, जिसे हम समुद्र बोलते हैं. बड़े बड़े वाटर बॉडीज है जिसे हम समुद्र बोलते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ देखिए. अब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, द टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ का 2 मूवमेंट है, एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन. द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन इज 24 आवर्स. द रोटेशन ऑफ अर्थ causes day and night. Okay, the time taken by Earth to complete one revolution is 365.14 days. The revolution of Earth. Okay, causes seasons. अब देखो Earth के पास Earth 2 type का movement करता है, एक rotation और एक revolution. Okay, जब Earth एक rotation को complete करता है 24 hours में, तो वो क्या create करता है? Day and night. ठीक है, अगर Earth अपना ही exist में, अपने ही जगह में अगर राउंड घूमता है, गोल करके घूमता है, और उसे घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. और ये जो 24 आवर्स जो ये घूमने में टाइम लगाता है, इसे रोटेशन बोलते हैं. और रोटेशन क्या कॉज करता है? डे एंड नाइट. ठीक है, और फिर और जो अर्थ को जो टाइम लगता है पूरे वन रिवोल्यूशन करने में, दैट इज 365.14 डेज. ओके, अर्थ को पूरा एक सन के पूरा एक राउंड मारने में उसे कितना डेज लगता है? 365.14 डेज. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ओके, ये क्या कॉज करता है? सीजन्स. समझ गया, रोटेशन क्या कॉज करता है? डे एंड नाइट. और रिवोल्यूशन क्या कॉज करता है? सीजन्स. ओके, रोटेशन टेक्स 24 आवर्स, राइट? रोटेशन को होने में कितना, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. वो क्या करता है? इट कॉजेस डे एंड नाइट. एंड रिवोल्यूशन को होने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365.14 डेज. टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इट टेक्स 365.14 days. And the revolution of earth, what does it causes? It causes seasons. Okay, so I want you to read the surface of the earth and about rotation and revolution. Okay, and understand it. Thank you.